व्यूअर्स, कम कीमत पर अगर आप 5 मरले का एक अच्छा घर बना हुआ लेना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 5 मरले का ये खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस, जिसको आप मेरे सामने इस वक्त देख सकते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये वाफे सिटी ब्लॉक EE के अंदर मौजूद है। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 1,60,00,000 रुपया है। व्यूअर्स, अगर इस घर के एलिवेशन की बात की जाए तो ये एक मॉडर्न स्पेनिश स्टाइल के अंदर इस घर के एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखें तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि मेन गेट और इसका जो रेलिंग वर्क है टेरेस का और ये आपके सामने रूम का, ये टोटल CNEC के अंदर इनको डिज़ाइन किया गया है। और ये आप देख सकते हैं आपके पास इसकी आ गया स्पेनिश स्टाइल के अंदर इसका कटवर्क। और ये आपके देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे इसका टेरेस, राइट साइड पे इसका विंडो है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम विंडो। ये जो अगर नीचे अगर फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मोज़ाइक का काम हुआ हुआ है जिसके इसके फ्रंट एलिवेशन के ऊपर। ये आपके पास आ गया आपका लॉन और इसी के साथ साथ ये देख सकते हैं आप इसकी खूबसूरत सी टाइल्स। और अगर इसकी मैं बात करूँ इसके गराज की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईजीली एक गाड़ी खड़ी हो सकती है। और ये आपके पास आ गया आपका मेन डोर और उसकी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। और बिल्कुल मेरे सामने ये आ गया इसका पाउडर रूम। ये देखें जी व्यूअर्स, इसका खूबसूरत सा सीलिंग वर्क और फैन। और ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये छोटा सा एरिया जो है ये उन्होंने आपकी सिटिंग स्पेस बनाई है आर्टिफिशियल ग्रास के अंदर जिसको तैयार किया गया है। आए अब चलते हैं इस घर के अंदर। व्यूअर्स, अब मौजूद है इस घर के अंदर। जैसे ही आप इस घर में एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसका हॉल और उसी के साथ साथ अटैच ड्राइंग रूम। और अगर मैं अपने फ्रंट साइड की बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका किचन और उसकी राइट साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका मास्टर साइज बेडरूम और उसी के साथ साथ स्टेयर्स। ये आपके पास आ गया आपका मेन डोर एंट्रेंस का आपकी, और ये आपके पास आ गई आपके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। तो व्यूअर्स, अगर बात करें इसके सीलिंग वर्क की तो ये आप देख सकते हैं इसका सीलिंग वर्क, उसके मिड में आपको मिल जाएगा इसका फैन। ये पर आपके पास आ गई आपकी हैंगिंग लाइट्स, ये आपके पास आ गया आपके ड्राइंग रूम की सीलिंग वर्क, और ये आपके पास आ गया उसका फैन। बैक साइड पर मिल जाती है आपको विंडोज़। यहाँ पर थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर आपको कर्टन्स नहीं मिलेंगे। ये आपके पास आपका टाइल वर्क, बैक साइड पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर वर्क। और यहाँ पर अगर हॉल की बात करूँ तो ये आपके पास आपके सामने आ गई मीडिया वॉल। और अब अगर बात करें इसके किचन एरिया की तो जैसे आप किचन में आते हैं तो यहाँ पर सारी वुडन टाइल्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये आपके पास आ गए जी वुडन नॉब, वो आपके पास आ गया सामने सिंक, बैक साइड पर आपकी लॉन्ड्री। और ये आपके पास UV शेड्स के अंदर आपके आ गए रैक्स, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत से वार्डरोब्स सारे। अब चलते हैं जी इसके बेडरूम की तरफ। तो व्यूअर्स, ये आपके पास जैसे ही आप बेडरूम में आते हैं तो आप देख सकते हैं जो सामने का है ये बेड की बैक है जहां पर वॉलपेपर का काम हुआ हुआ है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक ग्लोब लगाया हुआ खूबसूरत सा। ये आपके पास आ गया फैन, ये उसका खूबसूरत सा सीलिंग वर्क, और उसके सामने आ गई आपकी वार्डरोब। UV शीट्स लगी हुई हैं, टोटल बहुत बड़ी वार्डरोब है ये। और इसके साथ आपको मिल जाता है अटैच वाशरूम। जब आप वाशरूम में आते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये आपके पास आ गया आपका वेंटी और ये उसके ऊपर उसका मिरर। ये आपके पास आ गया चाइना फिटिंग के अंदर आपका शावर एरिया, यहाँ पर आपके आ गया कम्बर्ट और ये टोटल एरिया। अब व्यूअर्स चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर जाते हुए आप देख सकते हैं टोटल मार्बल का काम हुआ हुआ है इसके स्टेयर्स पर। तो व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ इस टाइम इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसे आप इसके हॉल में आते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत ही बड़ी मीडिया वॉल, नीचे उसके रैक्स और उसकी बैक साइड पर ब्लॉक देखें तो सारा वॉलपेपर का वर्क हुआ हुआ है। और अगर आप लेफ्ट साइड पर मेरे देखें तो ये टेरेस का डोर,
और उसी के साथ साथ आपको मिल जाएगा इसका एक बेडरूम मेरी राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसका दूसरा बेडरूम, और उसी के सामने मैं अगर आप देखें मेरे सामने तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका किचन। अब अगर इसके किचन की बात करें तो बहुत ही वाइड स्पेस है ये, आप देख सकते हैं नीचे इसकी वुडन टाइल्स, और उसी के सामने आपको ये मिल जाएगा बहुत ही खुला सा किचन। ये आपके पास आ गया जी सेम एज इट इज वुडन नॉब, और यहाँ पर आ गया आपके पास सिंक, बैक साइड पे आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट, ये आपके पास सीलिंग वॉल को फैन, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर शाइनी यूवी शीट्स का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, ये देखिएगा। और अब इसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत सी फिनिशिंग है ये शीट्स की। अब यूएस चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम में आपको टेरिस व्यू भी मिल जाएगा, और ये आपके पास आ गया जी बहुत खूबसूरत सीलिंग वर्क, फैन, बैक साइड पे आपके ये आ गई ये बेड वॉल, ऊपर आप देख सकते हैं एसी के पॉइंट्स, और ये आपके पास आगे ग्लोब्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा, जो मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊँ, ये आपके पास बेडरूम की स्पेस है, और जो आपके पास वार्डरोब और वॉशरूम की स्पेस है वो थोड़ी सी सेपरेट है। ये देखें बीच में हल्की सी पार्टीशन है, बैक साइड पर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ गई आपकी वार्डरोब, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास आ गया आपका वॉशरूम, ये आपके पास आ गया उसी तरह का सिंक और मिरर, ये कमोड, और ये आपके पास शावर एरिया। अब चलते हैं जी इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। यहाँ पर क्या है, ये आप आ चुके हैं जी इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। ये आपके पास आपकी रूम स्पेस आ गई, ये आपके पास बेड वॉल, ऊपर ग्लोब, ये आपके पास एंटायर सीलिंग वर्क, फैन, और यहाँ पर अगर आप मेरे सामने देखें तो ये है जी आपके पास मीडियम वॉल, नीचे खूबसूरत किस्म के रैक्स, और यहाँ पर मेरे सामने आ गई इसकी वार्डरोब। वार्डरोब्स बहुत ही बड़ी बड़ी हैं इधर, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी शीट्स लगी हुई हैं, ये जैसे आप मेरी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं शीट के ऊपर। यहाँ पर अगर इसके वॉशरूम में है तो ये आपके पास आ गया जी आपका उसी तरह से मिरर और नीचे सिंक, और ये आपके पास कमोड और शावर एरिया, उसके ऊपर आपके पास एग्जॉस्ट। ये जो इसका स्टेयर केस है ये आप देख सकते हैं सारा वर्क हुआ हुआ है ये कटिंग के अंदर, इसकी जो डिज़ाइनिंग है या सेम जो आप मेन गेट और उसकी देख रहे हैं कटिंग वो भी सेम एस्टेज ये डिज़ाइन है। आप चलते हैं व्यूअर्स इस सेकंड फ्लोर की तरफ। जैसे ही आप इधर आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये आपके पास इस टाइम आ गई जी मेरे राइट साइड पे विंडो, वेंटिलेशन, और बाहर आपका रूफ एरिया। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी मैट टाइल्स, ये देखिएगा ये आपके पास रूम है, ये आपके पास आपकी आगे मीडिया वॉल, बैक साइड पे विंडो, ये आपकी आ गई कबर्ड्स, और यहाँ पर ही अटैच्ड वॉशरूम है जहाँ पर सिंक, मिरर, कमोड, शावर एरिया आपकी स्पेस आ गई इसकी वॉशरूम की। ये आपके पास आ गई जी इसकी रूफ, ये आप रूफ पे देख सकते हैं इन्होंने सेपरेट दिया हुआ है। ये आपके पास आ गई आपकी लॉन्ड्री स्पेस, और उसी के साथ साथ आपका आ गया सिंक, और ये भी छोटी सी स्पेस है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये आपके पास आ गया आपका व्यू, फ्रंट व्यू। तो व्यूज़ कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी हमारी गलती बताई है। इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।